सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज के इस व्लॉग में हम अपने स्पायरो की आगे की प्रोसेस देखने वाले हैं। सो बेसिकली वीडियो काफ़ी डीले आई है, तो इसके लिए सॉरी। सो आज के इस व्लॉग में हम अपनी इस स्पायरो के लिए इसकी मिडिल पार्ट की प्लेट बनाने वाले हैं। सो बेसिकली मैं यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स को यहाँ पर फिट करने वाला हूँ, जो कि कंपोनेंट्स में हमारा ये लिथियम आयन बैटरी होने वाला है और अपने दो मोटर को ड्राइव करने के लिए ये मोटर ड्राइवर होने वाली है। सो मैं इसे आपको क्लोजली दिखा देता हूँ और ये एंटीना कनेक्टर होने वाला है। सो बेसिकली मैं यहाँ पर प्लेट बनाना चाहता हूँ जो कि हमारे बैटरी को कुछ इस तरीके से यहाँ पर होल्ड करके रखे। सो मैं यहाँ पर कैमरा मॉड्यूल को हटाकर आपको दिखा देता हूँ। ये जो हमारा लिथियम आयन बैटरी है, इसे मैं यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर फिट करने वाला हूँ। सो इसके लिए मैं यहाँ पर एक प्लेट बनाने वाला हूँ जो ये इसमें फिक्स हो जाएगा। सो चलिए अपने इस प्लेट को बनाते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने अपना जो प्लेट है वो उसे प्रिंट कर लिया है। सो इसे मैं असेंबल करता हूँ अपने स्पायरो में और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने कटआउट भी बनाया है अपने मोटर ड्राइवर के लिए। सो इसके लिए हमें यहाँ पर इसे डिसअसेंबल करना होगा, इसके पिलर्स को। सो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं यहाँ पर इसे फिट कर दिया। सो नेक्स्ट जो है इसकी, मैं यहाँ पर एंटीना के लिए माउंट बनाने वाला हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर एंटीना का माउंट बनाया है। सो बेसिकली इसकी जो नट्स है उसे होल करके इसे यहाँ पर मैं फिट करूँगा। सो इसे मैं कम्प्लीटली असेंबल करके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा लुक दे रहा है। सो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, हमारे यहाँ पर जो असेंबली पार्ट है वो कम्प्लीट हो चुका है। मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पर लिथियम आयन बैटरी फिट हुई है और एंटीना का कनेक्टर भी कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैंने साइड में कॉर्नर में लगा दिया है। सो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा यहाँ पर जो ESP32 है उसकी जो पिन हेडर्स है वो हमारे प्लेट में जो है वो टच हो रही है। सो आने वाले नेक्स्ट व्लॉग में मैं इसे हटाने वाला हूँ। सो मैं इसे डीसोल्डर करके इसे क्लीन कर दूंगा और इस ESP32 कैम बोर्ड के अंदर जो ये रजिस्टर होता है जिसे हम अपने ESP32 कैम में एंटीना कनेक्ट करने वाले हैं, सो इस रजिस्टर को डीसोल्डर करके इसे कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगाया जाता है। तो वो तो मैं आने वाले नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखा दूंगा। सो आज के इस व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।